हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीएसएन एजुकेशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी क्लास 8 सिविक्स चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग आर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पार्ट 3। आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हैड एंड क्रिमिनल लॉ गारंटीड टू एवरी अरेस्टेड पर्सन द फॉलोइंग फंडामेंटल राइट्स। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 के अकॉर्डिंग क्रिमिनल लॉ में अरेस्ट पर्सन को कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, कुछ उनके मौलिक अधिकार दिए गए हैं जो इस तरह हैं। द राइट टू बी इन्फॉर्म एट द टाइम ऑफ अरेस्टेड ऑफ द ऑफेंस फॉर विच द पर्सन इज बीइंग अरेस्टेड। अरेस्ट करते टाइम उसे ये राइट दिए है कि उसे इन्फॉर्म किया जाए, उसे सूचना दी जाए कि किसी भी पर्सन को किस कारण से अरेस्ट किया जा रहा है। द राइट टू बी प्रेजेंटेड बिफोर ए मजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स ऑफ अरेस्ट। अरेस्ट होने पर 24 आवर्स में ही मजिस्ट्रेट के सामने उसे पेश होने का अधिकार है। द राइट नॉट टू बी इल ट्रीटेड और टॉर्चर्ड ड्यूरिंग अरेस्ट और इन अ कस्टडी। अरेस्ट होने पर या कस्टडी में रहने पर उसे इल ट्रीटेड, किसी भी तरह से उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए और उसे टॉर्चर नहीं किया जाए, ये उसके पास राइट होता है। कन्फेशंस मेड इन पुलिस कस्टडी कैन नॉट बी यूज्ड एविडेंस अगेंस्ट द एक्यूज्ड। पुलिस कस्टडी में दिए गए कन्फेशन जो बयान हैं उन्हें एक्यूज्ड के अगेंस्ट एविडेंस मानकर यूज नहीं किया जा सकता है। अ बॉय अंडर 15 ईयर्स ऑफ एज एंड वुमेन कैन नॉट बी कॉल्ड टू द पुलिस स्टेशन ओनली फॉर क्वेश्चनिंग। अगर कोई जिस बॉय की एज 15 ईयर से कम है या किसी भी वुमेन को क्वेश्चनिंग के लिए कुछ भी पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन नहीं बुलाया जा सकता। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ लेट डाउन स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स एंड प्रोसीजर दैट द पुलिस एंड अदर एजेंसीज हैव टू फॉलो फॉर द अरेस्ट डिटेंशन एंड इंटरोगेशन of any person. These are known as the DK Basu guideline and some of these include। सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी पर्सन को अरेस्ट यानी गिरफ्तारी, डिटेंशन, हिरासत में लेने पर या इंटरोगेशन, उससे पूछताछ के बारे में पुलिस व अदर एजेंसी के लिए कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स और जो प्रोसीजर प्रक्रिया कुछ बनाई है, इन्हें DK Basu गाइडलाइन कहा जाता है। इनमें ये सब इंक्लूड है। द पुलिस ऑफिशल्स हु कैरी आउट द अरेस्ट और इंटरोगेशन वुड वियर क्लियर एक्यूरेट एंड विजिबल आइडेंटिफिकेशन एंड सम एंड नेम टैग्स विद देयर डेजिग्नेशन। अरेस्ट करने वाले या इंटरोगेट करने वाले पुलिस ऑफिशल्स को क्लियर, बिल्कुल साफ, एक्यूरेट, स्पष्ट और विजिबल साफ आइडेंटिटी उसको वियर करनी चाहिए। अपनी जो वो पहचान रखते हैं वे बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उन पर नेम टैग और डेजिग्नेशन भी होना चाहिए। अ मेमो ऑफ अरेस्टेड शुड बी प्रिपेयर्ड एट द टाइम ऑफ अरेस्ट एंड शुड इंक्लूड द टाइम एंड डेट ऑफ अरेस्ट। इट शुड ऑल्सो बी अरेस्टेड बाय एटलीस्ट वन विटनेस हु कुड इंक्लूड अ फैमिली मेम्बर और द पर्सन अरेस्टेड। द अरेस्टेड मेमो शुड बी काउंटर साइन बाय द पर्सन अरेस्टेड। अरेस्ट करते टाइम एक मेमो प्रिपेयर करना चाहिए जिसमें टाइम ऑफ अरेस्ट और डेट होनी चाहिए। इसे अटेस्ट किया जाना चाहिए किसी भी विटनेस से जो उसकी फैमिली, जिसमें कि उसके फैमिली मेम्बर्स को भी इंक्लूड किया गया है। जिस पर्सन को अरेस्ट किया गया है उसे इस मेमो के उस पर इसे साइन करने चाहिए जिसे कि अरेस्ट किया जा रहा है। द पर्सन अरेस्टेड डिटेन और बींग इंटरोगेट हैज़ ए राइट टू इन्फॉर्म अ रिलेटिव, फ्रेंड और वेल विशर्स। जिस पर्सन को अरेस्ट किया जा रहा है या डिटेन किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है उसे, या फिर उससे पूछताछ की जा रही है, तो उसे अपने किसी रिलेटिव, अपने रिश्तेदार को, अपने फ्रेंड को या किसी वेल विशर को इन्फॉर्म करने का राइट है। व्हेन अ फ्रेंड और रिलेटिव लाइव्स आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट द टाइम प्लेस ऑफ अरेस्ट एंड वेन्यू ऑफ कस्टडी मस्ट बी नोटिफाइड बाय पुलिस विद इन 8 to 12 hours आफ्टर अरेस्ट। अरेस्ट करते टाइम उसका फ्रेंड या रिलेटिव डिस्ट्रिक्ट से बाहर गया है तो आफ्टर अरेस्ट टाइम के 8 to 12 hours तक उसे टाइम और अरेस्ट की जो प्लेस है कस्टडी में जहां पर उसे रखा जाएगा के बारे में उसे उसके फ्रेंड या जो उसके रिलेटिव हैं उन्हें इन्फॉर्म करना होगा।
नाउ लेट अस रिटर्न टू द स्टोरी ऑफ शांति। अब फिर से शांति की जो स्टोरी है उसको देखते हैं एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और इन क्वेश्चंस के आंसर देते हैं। व्हेन शांति वाज अरेस्टेड फॉर थेफ्ट, सब इंस्पेक्टर राव आल्सो कैप्ट हर ब्रदर सुशील इन द पुलिस लॉकअप फॉर 2 डेज। वाज इट लीगल फॉर द पुलिस टू डिटेन हिम? डज इट वायलेट द डी के बासु गाइडलाइन? अब हम फिर से शांति की जो स्टोरी है उसे देखते हैं। जब शांति को थेफ्ट के लिए अरेस्ट किया गया था, चोरी के लिए जब शांति को अरेस्ट किया गया था, तब सब इंस्पेक्टर राम ने शांति के ब्रदर और सुशील को पुलिस लॉकअप में रखा था। क्या यह लीगल था? इसे डॉक्टर बासु की गाइडलाइन का वॉयलेटेड उल्लंघन माना जाए? डिड सब इंस्पेक्टर राव डू इनफ टू क्वेश्चन विटनेस एंड कंपाइल एविडेंस बिफोर अरेस्टिंग शांति एंड फाइलिंग अ केस अगेंस्ट हर इन कीपिंग विद द ड्यूटीज ऑफ द पुलिस एज स्टेटेड अबाउट? What else do you think sub inspector Rao could have done as part of his investigation? जब क्या सब इंस्पेक्टर राव ने शांति को अरेस्ट करने और शांति के अगेंस्ट केस फाइल करने से पहले विटनेस से क्वेश्चंस पूछे थे या कुछ एविडेंस कलेक्ट किए थे? पुलिस की ड्यूटीज के अकॉर्डिंग सब इंस्पेक्टर राव को इन्वेस्टिगेशन के अकॉर्डिंग क्या करना चाहिए था? नाउ लेट अस टेक अ स्लाइटली डिफरेंट सिनेरियो। शांति एंड हर ब्रदर सुशील गो टू द पुलिस स्टेशन टू कंप्लेन दैट मिस्टर शिंदे 20 years old सन हैड स्टोलन ₹15,000 दैट हैड बीन सेविंग अप। डू यू थिंक दैट द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन विल प्रॉम्प्टली लॉज ऑन FIR? लिस्ट अ फ्यू फैक्टर्स दैट इन योर ओपिनियन मे इन्फ्लुएंस द डिसीजन ऑफ द पुलिस टू रजिस्टर और नॉट रजिस्टर एन FIR। अब इस सिचुएशन को चेंज करके देखते हैं कि शांति और उनके जो ब्रदर थे सुशील, वो पुलिस स्टेशन जाते हैं और ये कंप्लेन करते हैं कि मिस्टर शिंदे के 20 years के सन ने उनके सेव किए हुए 15,000 चुरा लिए हैं। क्या आपको लगता है कि ऑफिसर्स जो कि पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं उनकी FIR को लॉन्च करेंगे? FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। It is with the registration of an FIR that is police can begin with their investigation into the crime. Police FIR के registration के बाद ही investigation को start करती है। किसी भी crime के बारे में अगर कोई FIR दी जाती है उसके बाद ही पुलिस अपना investigation start करती है। The law states that it is compulsory for an officer in charge of a police station to register an FIR whenever a person gives information about a cognizable offence. Law के according इसे compulsory किया गया है कि officer जो कि किसी police station के incharge हैं, अपराध की सूचना मिलने पर तुरंत उसकी FIR लॉज की जानी चाहिए। This information can be given to the police either orally or writing. पुलिस को इन्फॉर्मेशन ओरली या राइटिंग मिलनी चाहिए। द FIR यूजुअली मेंशंस द डेट टाइम एंड प्लेस ऑफ द ऑफेंस, डिटेल द बेसिक फैक्ट ऑफ द ऑफेंस इंक्लूडिंग ए डिस्क्रिप्शन ऑफ द इवेंट्स, इफ नोन द आइडेंटिटी ऑफ द एक्यूज पर्सन एंड विटनेस इज ऑल्सो मेंशन। FIR में यूजुअली डेट टाइम प्लेस ऑफ द ऑफेंस, वारदात की जो जगह है उसकी डिटेल होनी चाहिए, ये ऑफेंस होने के बेसिक और ये जो वारदात हुई थी इसके बेसिक फैक्ट क्या थे, उसमें उस इवेंट को भी इंक्लूड किया गया है जहाँ ये वारदात हुई थी। अगर एक्यूज पर्सन की डिटेल हो तो उसके नेम और उसके विटनेस की भी डिटेल यहाँ पर मेंशन की जाती है। द FIR आल्सो स्टेट द नेम एंड एड्रेस ऑफ द कंप्लेनेंट, देयर इज अ प्रिस्क्राइब फॉर्म इन विच द पुलिस रजिस्टर एन FIR and it is signed by the complainant. The complainant also has a legal right to get a free copy of the FIR from the police. FIR में कंप्लेन करने वाले पर्सन के नेम और एड्रेस भी होते हैं। FIR के लिए पुलिस के पास प्रिस्क्राइब पहले एक फॉर्म होता है जिस पर कंप्लेन करने वाले के साइन कराए जाते हैं। कंप्लेनेंट को पुलिस से FIR की फ्री कॉपी लेने का राइट है।
वॉट इज़ द रोल ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर? पब्लिक जो प्रोसिक्यूटर होते हैं, सरकारी जो वकील होते हैं, उनका क्या रोल होता है? अ क्रिमिनल ऑफेंस इज रिगार्डेड एज अ पब्लिक रॉन्ग. वॉट इज मीन बाई दिस इज दैट इज कंसिडर्ड टू हैव बीन कमिटेड नॉट ओनली अगेंस्ट द अफेक्टेड विक्टिम्स बट अगेंस्ट सोसाइटी एज अ होल. डू यू रिमेंबर द केस ऑफ द डाउरी डेथ ऑफ द सुधा दैट वी रेड अबाउट इन द प्रीवियस चैप्टर? द केस अगेंस्ट द एक्यूज लक्ष्मण एंड हिज फैमिली वॉज प्रेजेंटेड बाय द स्टेट. दैट इज वाई द केस वॉज कॉल्ड स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेज लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स. सिमिलरली द अबव केस कैन बी कॉल्ड स्टेट वर्सेज शांति हेमराम एंड नॉट मिसेस शिंदे वर्सेज शांति हेमराम. सरकारी जो वकील, इनका क्या रोल होता है? क्रिमिनल ऑफेंस को, जो आपराधिक उल्लंघन हुआ है, उसे पब्लिक के लिए भी रॉन्ग ही माना जाता है. व्हाट इज़ द मीन बाय, इसका मीन यह है कि क्राइम के केवल जो क्राइम है उससे केवल अफेक्टेड विक्टम्स को ही हार्म नहीं पहुंचाता है, बल्कि पूरी सोसाइटी के लिए अपराध होता है. आपको प्रीवियस चैप्टर में डावरी डेथ का, सुधा का केस आप रिमेंबर है, किस तरह से दहेज के लिए उसकी डेथ हो गई थी. आरोपी लक्ष्मण और उसकी फैमिली के अगेंस्ट ये केस स्टेट की साइड से प्रेजेंट किया गया था, इसलिए इस केस को स्टेट दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन वर्सेस लक्ष्मण कुमार एंड अदर्स कहा गया. सिमिलरली अबव केस में स्टेट वर्सेस शांति हेमराम दिया गया है, मिसेस शिंदे की और वर्सेस शांति की जगह स्टेट वर्सेस शांति हेमराम यहाँ पर नेम दिया गया है. आगे हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे.